इस वीडियो में बात करने जा रहे कि समान काम समान वेतन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज तय होगा कि समान काम समान वेतन पर अगली सुनवाई कब होनी है। बिहार के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों के समान काम समान वेतन पर अगली सुनवाई कब होगी, इसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय में आज होगा। दरअसल समान काम समान वेतन पर 6 सितंबर को 19वें दिन सुनवाई की समाप्ति पर न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे एवं न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की खंडपीठ ने मौखिक एवं लिखित आदेश में सुनवाई की अगली तारीख 11 सितंबर को निर्धारित की थी, लेकिन 8 सितंबर यानी शनिवार को जारी केस लिस्ट में 11 सितंबर के लिए इसे सूचीबद्ध नहीं किया गया है। वहीं शिक्षक संगठनों ने अपील की। सोमवार को बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अधिवक्ता अभय कुमार एवं विनोद कुमार, साथ में अन्य शिक्षक संघ के वरीय अधिवक्ता विजय हंसरिया, अनिवेश कुमार, अजय कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से कोर्ट नंबर 9 में सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अभय मनोहर जपरे और उदय उमेश ललित के सामने अपील की। हालांकि 11 सितंबर को तिथि में यह मामला लिस्टेड नहीं है, कहने का मतलब साफ है कि आज तय होगा कि कब होनी है इस मामले की अगली सुनवाई, आज सुनवाई नहीं हो पाएगी। साथ ही अधिवक्ताओं की अपील पर न्यायाधीश सप्रे और ललित ने आपस में विचार विमर्श कर आश्वासन दिया कि केस के सूचीबद्ध नहीं होने के कारणों की जानकारी जनरल कार्यालय से लेंगे। साथ ही आश्वासन दिया कि सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित करने के लिए वे 11 सितंबर को फैसला करेंगे कि समान काम समान वेतन पर अगली सुनवाई कब होनी है। फाइनली ये भी खबर आ रही है कि इस मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को हो सकती है। हालांकि 18 सितंबर वाली न्यूज़ जो है कन्फर्म नहीं है, आज फाइनल फैसला होगा कि अगली तिथि कब होनी है। इस अपडेट में बस इतना ही, आज सुनवाई नहीं है।